मशहूर बाइक निर्माता कंपनी यमाहा तो अपनी दमदार और शानदार लुक वाली बाइक्स के लिए पहचानी जाती है। इससे भी ज्यादा यमाहा की पुरानी बाइक RX 100 की चर्चा आप लोगों ने सुनी होगी। कई फिल्मों में यमाहा की इस पुरानी बाइक को देखा होगा। हालांकि कंपनी ने काफी समय पहले इस बाइक को बंद कर चुकी है, लेकिन अब चर्चा है कि यमाहा एक बार फिर उसी लुक वाली यमाहा को लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यमाहा अपनी रेट्रो लुक वाली यमाहा XSR 155 को भारत में लॉन्च कर सकती है। आपको बता दें कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में इस मॉडल को पहले ही लॉन्च कर चुकी है। यमाहा ने अगस्त 2019 में थाईलैंड में यमाहा XSR 155 को लॉन्च किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कंपनी इस मॉडल को भारत में लॉन्च करती है तो इसमें 155cc सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन VVA दिया जाएगा। देखने को मिलेंगे ये बदलाव। इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हुई इस बाइक के मॉडल में सिंगल सिलेंडर 150cc लिक्विड कूल्ड इंजन दिया गया है। XSR 155 मौजूदा यमाहा R15 वर्जन 3 पर आधारित है, लेकिन कंपनी इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। आने वाली यमाहा बाइक में स्टैंडर्ड ABS दिया जा सकता है। इंजन पावर यमाहा XSR 155 का इंजन 19.3 PS की पावर और 14.7 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। बाइक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ स्लिपर क्लच असिस्ट फीचर के साथ आएगी। कीमत रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय बाजार में यमाहा XSR 155 की कीमत 1.32 लाख रुपए एक्स शोरूम हो सकती है। बाइक को पूरी तरह से युवाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह एक स्पोर्टी लुक बाइक है। अब जावा कंपनी भी इस सेगमेंट में अपनी बाइक उतार रही है। माना जा रहा है अब अन्य कंपनियां भी इस रेट्रो सेगमेंट में अपनी बाइक उतार सकती हैं। लेकिन फिलहाल जापानी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी यामाहा इस सेगमेंट में अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर लगी हुई है।